हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विला। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड की रिवीजन। चैप्टर नंबर थ्री का नाम है अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी। क्वेश्चन वन, व्हाट डज द राइटर मीन बाय मेंटल लॉक्स। चैप्टर के अंदर राइटर ने मेंटल लॉक्स कोई वर्ड बोला है जिसका यहाँ पे हमें मतलब एक्सप्लेन करना है, तो चलिए आंसर पे चलते हैं। तो इन दी चैप्टर अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी द राइटर रेफर्स टू मेंटल लॉक विच इज अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ 7 कॉमन स्टेटमेंट। चैप्टर जो है अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी, इसमें राइटर ने रेफर किया है मेंटल लॉक को विच इज अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ 7 कॉमन स्टेटमेंट। कोई 7 कॉमन स्टेटमेंट्स है जो कि अनक्रिटिकल है, तो उसको राइटर ने यहाँ पे मेंटल लॉक्स कहा है। In order to see what everybody has seen and to think what nobody has thought, we need to open these mental locks that close our mind to new ideas. कोई 7 common statements जो ऊपर हैं उन्होंने मतलब human के जो दिमाग को lock कर दिया, mental lock हो गया है, तो उसको close जो हो गया ना उसको open कर रहे हैं, हमें new ideas लाने। The writer wants these mental locks to be avoided. Writer चाहते हैं mental locks को avoid किया जाए, so that one can be creative and our mind should become open and receptive to new ideas. अगर ऐसा होगा, हम उनको avoid करेंगे mental locks को, तो creative होगा हमारा mind and हमारा mind उतना ही खुलेगा और new ideas हमें आएंगे। Soft thinking should replace hard logical thinking so that many of our problems can be solved. Soft thinking means to replace hard logical thinking. Logical thinking करने से या और replace करने से hard को क्या होगी, many of our problems will be solved. हमारी जो बहुत सारी problems हैं वो solved होने लगेंगी। Instead of following age old rules, हमें एज ओल्ड रूल्स फॉलो करने की जगह पे वी शुड ब्रेक दोज रूल, हमें वो रूल ब्रेक करने हैं दैट आर एब्सोल्यूट एनी एंड मैनी न्यू पॉसिबिलिटीज विल ओपन अप, जो कि एब्सोल्यूट है। एंड उससे क्या होगा, अगर हम पुराने रूल्स को तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो नई पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी। बींग प्रैक्टिकल में मेक वन नैरो माइंडेड, प्रैक्टिकल होने से क्या होता है कि वन नैरो माइंडेड बन सकता है। दस वन मस्ट ट्राई टू फाइंड स्टार्टिंग आंसर्स लाइक द इंजीनियर इन ए केमिकल कंपनी पुटिंग गन पाउडर इन अ हाउस पेंट टू डेवलप अ न्यू एडिक्टिव विच इज स्ट्रिप्ड ऑफ द वॉल इजीली। इसमें ही बताया जा रहा है कि जैसे कि एक इंजीनियर केमिकल कंपनी में गन पाउडर और हाउस पेंट को डेवलप करता है, एक नया एडिक्टिव बनाता है जिससे कि क्या होता है, वॉल पे इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाता है। उसी तरीके से आपको भी अपना माइंड ओपन माइंडेड बनाना, उसको नैरो माइंडेड नहीं रखना। जितना आप ओल्ड एज रूल्स को तोड़ के आगे निकलोगे आपका माइंड उतना खुलेगा, उतने न्यू आइडियाज, उतनी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी। समटाइम प्लेइंग द फूल और आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस कैन गिव बर्थ टू मोस्ट रिलीविंग आंसर्स। कई बार प्लेइंग द फूल मतलब बेवकूफों वाले खेल खेलना या आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस, बेवकूफों वाले क्वेश्चंस पूछना कैन गिव बर्थ टू मोस्ट रिलीविंग आंसर्स। वही कई बार होता है कि उन्हीं से हमें इतने मोस्ट रिलीविंग मतलब सेटिस्फाइड आंसर्स मिलते हैं। So one must think outside his field of specialization and be a generalist to discover creative ideas. So one must think on tune his field of specialization. इससे क्या होता है कि one must think मतलब आपको एक बार जरूर तो होना चाहिए अपनी स्पेशलाइजेशन फील्ड के बारे में, एक जर्नलिस्ट बन जाइए, डिस्कवर कीजिए क्रिएटिव आइडल्स को डिस्कवर कीजिए। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट यू आर नॉट क्रिएटिव। ऐसा मत सोचिए कि आप क्रिएटिव नहीं है, ये रॉन्ग है। बिकॉज क्रिएटिविटी इज नॉट मीन फॉर ओनली आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर, क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट या इन्वेंटर्स के लिए नहीं है। द राइटर ऑल्सो रेफर्स टू 7 कॉमन स्टेटमेंट विच कंस्टिट्यूट मेंटल लॉक। राइटर ने जो कहा है 7 कॉमन स्टेटमेंट जो कि कंस्टिट्यूट कर रहे हैं मेंटल लॉक को, वो हैं दीज आर, फाइंड द राइट आंसर, दैट्स नॉट लॉजिकल, फॉलो द रूल्स, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी फुलिश, That's not my idea. I am not creative. ये 7 चीज़ें लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं। मतलब हम देखते हैं कि फाइंड मतलब हम कोई क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं फाइंड द राइट आंसर,
और कोई बार कोई आंसर हमें हमसे पता चले तो हम खुद हमारे अंदर से ही उस चीज़ का आंसर आए तो हम कहते हैं नो इट्स नॉट लॉजिकल, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, बेवकूफियाँ नहीं करनी चाहिए, दैट्स नॉट माई आइडिया, ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एंड आपको ये सोचना है कि यू आर ऑल्सो क्रिएटिव एंड यू कैन ऑल्सो थिंक बेटर देन अदर्स, देन ये जो मेंटल लॉक्स है ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इस पूरे आंसर में यही बताया गया है कि आपको किस तरीके से मेंटल लॉक्स को तोड़ के अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना है, बिकॉज एवरी पर्सन इज क्रिएटिव। सो रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा की तरह यही कि प्लीज़ कीवर्ड्स पे ध्यान दें कि आंसर को लिखिए और समझ के इसको लिख कर आइएगा। थैंक यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन टू कहता है व्हाट डज द राइटर मीन बाय न्यू आइडियाज जर्मिनेट फास्टर इन द लूज सॉइल ऑफ सॉफ्ट थिंकिंग। कह रहा है कि राइटर का क्या मतलब था ये कहने से न्यू आइडियाज जर्मिनेट फास्टर इन द लूज सॉइल ऑफ सॉफ्ट थिंकिंग। अगर हम सॉफ्ट थिंकिंग होंगे तो आइडियाज जो है जनरेट जो होंगे वो फास्ट होंगे, इससे राइटर का क्या मतलब है? तो आंसर पे चलते हैं। एज द राइटर ऑफ द चैप्टर अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी सेज दैट द सेवन कॉमन स्टेटमेंट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर लिविंग लाइफ। जैसे कि राइटर ने कहा अनलॉक योर ओन क्रिएटिविटी चैप्टर में कि सेवन स्टेटमेंट जो है वो आपकी लाइफ का क्राइटेरिया नहीं है, वो आपकी लाइफ जो आप जीते हो उसका क्राइटेरिया नहीं है। अ पर्सन शुड नॉट हैव अ नैरो माइंड, एक पर्सन का नैरो माइंड नहीं होना चाहिए, यू नो छोटी सोच जिसको कहते हैं, एंड कन्फाइंड थिंकिंग एंड शुड लेट द सॉइल ऑफ माइंड बी लूज सो दैट न्यू आइडियाज कैन कम इन टू ईजीली। उनको अपना माइंड बिल्कुल, उनको कन्फाइंड थिंकिंग करनी चाहिए, उनको अपना माइंड लूज छोड़ देना चाहिए, ना कि नैरो रखना चाहिए, ओपन माइंडेड बनना चाहिए, जिससे कि आइडियाज ज़्यादा आएंगे एंड ईजीली आइडियाज उनको न्यू न्यू आइडियाज आएंगे। ओनली इफ अ पर्सन कैन डू अवे विद दीज सेवन स्टेटमेंट्स एंड बी ब्रॉड इन थिंकिंग कैन न्यू आइडियाज कम इन टू हिज माइंड। ओनली इफ अ पर्सन कैन डू अवे, अगर सिर्फ एक पर्सन इससे डू कैन डू अवे होता है विद दिस सेवन स्टेटमेंट से वो दूर जाता है एंड बी ब्रॉड इन थिंकिंग, सिर्फ इन सात स्टेटमेंट से अगर वो दूर हो जाता है और ब्रॉड थिंकिंग कर लेता है, न्यू आइडियाज उसके माइंड में अपने आप ही आएंगे एंड ही विल बी अ क्रिएटिव पर्सन। जैसे कि हमने राइटर ने पहले भी क्या कहा है कि एवरी पर्सन हैज अ क्रिएटिविटी, एवरी पर्सन हैज क्रिएटिव माइंड। सो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया कि आपको उन सेवन स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ से डिलीट करना है और एक ब्रॉड थिंकिंग के साथ लाइफ को जीना है ताकि आपके दिमाग में न्यू आइडियाज आए, आप क्रिएटिव पर्सन बन के सोच सके, डोंट बी अ नैरो माइंडेड पर्सन। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन चैप्टर थर्ड का, अब ये फिनिश हुआ, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।